सिरसा के भगत सिंह चौक पर भाजपा युवा नेता गोकुल सेतिया ने हुंकार रैली का आयोजन किया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने शिरकत की। गोकुल सेतिया ने हालांकि सीएम मनोहर लाल सहित अन्य मंत्रियों को भी इस रैली के लिए निमंत्रण दिया था, लेकिन कोई भी नहीं पहुंचा। मंच पर गोकुल सेतिया ने सीएम मनोहर लाल खट्टर से सिरसा की कुछ मांगों को पूरा करने की बात कही। काफी समय से गोकुल सेतिया सिरसा की मांगों को लेकर सरकार के समक्ष आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उन मांगों को पूरा नहीं किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक सीएम मनोहर लाल सिरसा आकर उनकी मांगों को पूरा नहीं करते, तब तक उनका धरना सरकार के खिलाफ जारी रहेगा। कोई काम गति नहीं पकड़ पा रहा। आपने देखा किस हिसाब से सीएम साहब की बड़ी पॉजिटिव सोच है। पॉजिटिव सोच होने के साथ साथ आप देखिए, नहरी विभाग के अंदर एक्सीजन तक नहीं है। चार बार मैंने शिकायत करी, मैं सीएम साहब से उस दिन मिल के आया, मैं लिखा के भी आया। सीएम साहब ने आगे ओएसडी को भी कहा के फटाफट एक्सीजन की नियुक्ति कराओ, लेकिन कोई हलचल ही नहीं है। काम कब होगा, मुझे ये डर है। आचार संहिता लग गई, अगर विधानसभा और लोकसभा इकट्ठा हो गया तो क्या करेंगे। तो इसीलिए ये है कि जल्द से जल्द ये जो सारी समस्याएं हैं इनका समाधान हो। और जहाँ तक मुझे सुनने में आया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई हॉस्पिटल देना भी था, आई थिंक यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल दिया इन्होंने टोहाना के अंदर। तो क्या इसीलिए केवल दिया कि वहाँ पे भाजपा के अध्यक्ष हैं? जितनी वहाँ के टोहाने के लोगों की जान की कीमत है, उतनी जान की कीमत सरसा के लोगों की है। अब हम चाहेंगे कि हमें यहाँ पर एम्स हॉस्पिटल आगे की रणनीति। आपने देखा किस तरीके से मैंने सभी नौजवान साथियों का सहयोग लिया, बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया, हाथ खड़े कराकर आपके सामने सारी जनता ने वहाँ पर आशीर्वाद दिया, नारे लगाए कि ये सब मेरे साथ हैं। मैंने इनसे पूछा, इन्होंने मेरा साथ दिया। मेरी जो भी शुरुआत है मेरे आंदोलन की, तो मेरी जो भी रणनीति होगी उनके आशीर्वाद से होगी। जो वो कहेंगे उसी हिसाब से प्लानिंग चलेगी। मैं आज जा रहा हूँ, मंडी के अंदर बैठ रहा हूँ। मेरा संघर्ष आज से शुरू है, जो होगा देखा जाएगा। हम अपने हकों के लिए ऐसे ही लड़ते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। बैठा रहूंगा जी, जब तक मुख्यमंत्री नहीं आएंगे मैं नहीं वहाँ से हटूंगा। मुख्यमंत्री आए, हमारे नहरों के काम को शुरू कराए। जो लोगों ने, तानाशाह अफसरों ने यहाँ पे नशे बिकवाने का काम किया है, उनका टेस्ट कराएं। जिन अफसरशाही जो के गुंडागर्दी अपनाते थे अफसर, उनको सस्पेंड करने का काम करें। ठेड़ का समाधान निकालने का काम करें। नहरों का काम शुरू कराएं। एम्स की हमें मंजूरी दिलाएं या यस करके जाए कि अगर हमारी गवर्नमेंट आती है या पहले भी जो भी सिस्टम बन सकता है, हम बैठ के सलाह करेंगे। मैं सारी रात सारा दिन वहाँ बैठूंगा जी। मैं पार्टी में बैठा हूँ, पार्टी का बच्चा हूँ, बैठा रहूँगा, अड़ा रहूँगा और लड़ता रहूँगा। मेरी मांग जारी रहेगी। अभी मैं पार्टी में हूँ, पार्टी का सदस्य हूँ। मुख्यमंत्री जी की पॉजिटिव सोच है, उम्मीद है, भरोसा है। मुख्यमंत्री जी आएंगे, थेड़ पे भी जाएंगे, हमारे कामों को भी हरी झंडी देंगे। सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट। इसी प्रकार के अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी।